दोस्तों सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में दोस्तों कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जनरल पेपर हुआ है, पेपर नंबर 3 GK, उसका सॉल्यूशन करेंगे। और इसमें टोटल प्रश्नों की जो संख्या है वो 100 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, प्रश्न नंबर 1 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा गडीशर जोधपुर। तालाबसाई धौलपुर में है, ये सही है। बंद बैरेठा भरतपुर में है, ये भी सही है। और गलताजी जयपुर में है, ये भी सही है। गडीसर जोधपुर में नहीं है, ये कहाँ है, जैसलमेर में। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से ज़िले 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है। नीचे दिए गए पुटों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन जो आपके सामने हैं वो नीचे है, बी एवं डी, ए बी सी, बी सी और ए सी डी। तो दोस्तों समवर्षा रेखा जो 50 सेंटीमीटर है वो अरावली के पश्चिम की ओर बात की जा रही है। अरावली जो पर्वतमाला है उसके पश्चिम में कौन से ज़िले पड़ते हैं, तो दोस्तों यहाँ सही आंसर होगा दौसा पूर्व पड़ता है, तो ये नहीं हो सकता है। और भीलवाड़ा पूर्व पड़ता है, ये भी नहीं हो सकता है। चूरू और हनुमानगढ़, बी और सी, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। जरगा उदयपुर में है, रघुनाथगढ़ सीकरगढ़ में है, सीकर में है। रघुनाथगढ़ कहाँ है, सीकर में है। और कुंभलगढ़ जो है राजसमंद में है, कामनाथ, ये गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। साबी सेवर पहाड़ी सही है, सोम बीछामेड़ा उदयपुर से, कांतली कंठेला सीकर से, और बाणगंगा खमनौर राजसमंद से नहीं निकलती है, ये विराटनगर जयपुर यहाँ से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, राजस्थान का एकमात्र जिला जहाँ पायराइट भंडार है। ऑप्शन नंबर सी सीकर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल पायलट प्लांट अवस्थित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा झामर कोटला उदयपुर। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, झामर कोटला उदयपुर। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। निम्नलिखित जिला समूह में से किस में लास्ट सालार अर्थात साल, बोसवालिया, सैरात के वन पाए जाते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए चंबल प्रदेश। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान में 2001-2011 में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का दशकीय परिवर्तन प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर 2 19.0-29.0। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस जिले में रोटू संरक्षित क्षेत्र स्थित है। तो रोटू कहाँ है, नागौर में है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। भैंस महसाना ये नस्ल है, ऊँट की नासना नस्ल होती है, बकरी की ये जो नाली है ये नहीं होती है, भेड़ की खैरी होती है। भेड़ की खैरी होती है
इस प्रकार से इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जिला ग्रामीण लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। ऑप्शन नंबर 4 पाली सही आंसर होगा। भीखा भाई सागवाड़ नहर राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन नंबर 3 माही नदी पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 सीमेंट मोड़क में है सही है, सूती वस्त्र ब्यावर में है, पानी के मीटर जयपुर में है, और स्टेट वुलन जो मिल है वो चूरू में नहीं है। ये कहाँ है? बीकानेर में है। कहाँ है? बीकानेर में है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर 2 चित्तौड़गढ़ इसका सही आंसर होगा। मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग में उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। रंगाई एवं छपाई उद्योग के कारण निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? पाली ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अनुच्छेद 155 है, उसमें राज्यपाल को पद से हटाया नहीं जाता है, उसमें राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर। राजस्थान में किस वर्ष में अकाल सूखा से प्रभावित गांवों की संख्या अधिकतम थी? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 2002 से 2003। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज्य प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956। वर्ष 2020 में राजस्थान के राज्यपाल ने कितने अध्यादेश प्रख्यापित जारी किए हैं? ऑप्शन नंबर ए 8 इसका सही आंसर होगा। राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ओपी मेहरा ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा ओब्लिक से कथन सही है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी, अर्थात 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी। राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम पहली बार 1956 में निर्मित किए गए, और ये जो राजस्थान विधानसभा की 18 स्थायी है इसकी जगह यहाँ 22 था, ये गलत है। तो यहाँ सही आंसर होगा केवल ए व बी। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्नांकित में से कौन प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा भोगीलाल पांड्या। कुमावत, असावा, वर्मा और शास्त्री ये 4 मुख्यमंत्री रहे थे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहे थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है भोगीलाल पांड्या, वो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इसमें पूछा गया है मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। निम्नांकित में से कौन 3 या अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न में सही आंसर होगा इस प्रश्न का भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया और हरदेव जोशी ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, अभी इसका सही आंसर बाद में देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28, 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम सामयिक अध्यक्ष कौन थे?
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गुलाबचंद कटारिया। प्रश्न संख्या 29, राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई उनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत कोटा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नांकित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा केवल 1 व 3 अर्थात प्रकाशवती शर्मा और कांता खतूरिया, ये दोनों रही थी। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन से कथन सही है? प्रश्न संख्या 32 का सही आंसर होगा बी व सी। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय आयोग और ये जो ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा नारायण भी रहे हैं, किशनपुरी और सावलदान उज्ज्वल, ये तीनों रहे हैं। तो ए बी सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकार पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कौन सी धारा है उस धारा की बात की जा रही है, धारा ऑप्शन नंबर 3 में 19 की जो 30 धारा है, ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय में फरवरी 2021 को यथा विद्यमान निम्नांकित में से कौन आर्थिक सलाहकार हैं? अरविंद व्यास इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, नगरपालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता है। नगरपालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक वार्ड से अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर 4 केवल 2 सही है। निम्नांकित में से क्या राजस्थान संपर्क में सुशासन के आयाम के रूप में गलत चिन्हित है, गलत पूछा गया है? तो पारदर्शिता सही होता है, ठोस सेवा प्रदान प्रणाली होती है, शिकायत निवारण होता है, विश्वास नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानव अधिकार आते हैं जो शामिल या सम्मिलित हैं? ए बी और सी तीनों ही आते हैं, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, जन सूचना पोर्टल से सूचना पाने के लिए SSO ID की जरूरी है, आईडी जरूरी होती है और जन सूचना पोर्टल के माध्यम से ई मित्र की सूचना पाने का कोई शुल्क नहीं है। तो इसका ऑप्शन है एक व दोनों सही है, केवल 1 सही है, नहीं तो 1 नहीं 2 सही है, केवल सेकंड सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा केवल सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। राजस्थान राज्य वित्त वर्ष 2018-19 में कुल निर्यात के बारे में पूछा गया है, कुल निर्यात कितना हुआ है? तो ऑप्शन नंबर जो